evening, friends. Good evening. Welcome to our channel, Mr. and Mrs. Purohit. हमारे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. कल हमने आपसे बात किया था ना ऊपर बैठ के, कि बोले थे कि रूम का कुछ चेंजेस करेंगे. ऑनलाइन में कुछ मंगाए हैं. देखिए, ये वाला हमने मंगाया है राउंड शेप में, दिख रहा है. ये वाला एक्चुअली में स्टिकर है, मैं आपको दिखाती हूँ खोल के. ये स्टिकर मैंने क्यों मंगाया है आपको बोल देती हूँ. एक्चुअली हमारे रूम में हम कुछ चेंजेस करना चाहते हैं. कुछ चीजें ऐसे हैं जो रूम के मतलब बेड के साथ, इंटीरियर के साथ थोड़ा बहुत मैच हो रहा है, पर कुछ चीजें नहीं हो रहा है. जैसे कि ये वाला, ठीक है. इसके बारे में मेरे हस्बैंड आपको बताएंगे. इसमें हम क्या चेंजेस करेंगे, हम इसमें स्टिकर लगाएंगे. ये कलर पर्पल है, पर हमारे बेड का कलर देखिए ब्राउन है, ठीक है ना. घर और रूम में जो बाकी चीजें हैं, और एक भी है क्या, अलमीरा ऐसे, वो भी ब्राउन है. तो इसको हम थोड़ा चेंज कर देंगे ताकि रूम का लुक अच्छा आए. तो आइए देखते हैं मेरे हस्बैंड क्या बताते हैं, ये क्यों चेंज करेंगे. ये मेरा मैरिज का टाइम का गोदरेज है, तो यह अभी रिसेंटली 1 साल हो रहा है. मैं इसको रिमॉडलिंग किया हूँ, कलर वगैरह सब हुआ है, रिपेयरिंग हुआ है, मैं दिया था. तो इसको अभी हमारा जो गोदरेज है दूसरा वाला, उसके साथ मैच करने के लिए ये वाला मंगाया है. ये वाला जब हम रिपेयरिंग के लिए दिए थे, ये वाला, उस टाइम पे हम और दो खरीदे थे, मैं दिखाऊंगी आपको. उसका जो कलर है ना वुडन टाइप का है. तो ये तो कलर जो कर दिया ना, हम जो बोले थे उसके हिसाब से नहीं किया. हम बोले थे कि उसी के हिसाब से करना तो मैच आएगा, तो नहीं किया और कर दिया. तो अभी क्या करेंगे, ये हो या फिर कोई भी पुराना वाला गोदरेज हो जो जिसका कलर फेड हो गया हो, जो थोड़ा सा कलर छूट गया हो, तो उसमें ना अच्छा नहीं लगता रूम में रखने के लिए, है ना. तो इसीलिए हमने दूसरे जगह पे भी वैसे स्टिकर्स लगाए हैं. तो हमने सोचा क्यों ना इसको भी हम मैचिंग कर लें रूम के साथ. तो ये वाला स्टिकर मंगाए हैं, देखिए, है ना. और ये हम फ्लिपकार्ट से मंगाए हैं, और ये आपका सेंटीमीटर के हिसाब से मिलता है. इसका प्राइस क्या आया क्या नहीं मुझे उतना याद नहीं है, मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको दे दूंगी. और इसको देखिए, इसको जब खोलेंगे ना ये ऐसे आता है, ठीक है. देखिए इसमें ऐसे वुडन पैटर्न है, और हमारा जो दूसरा वाला है जो अलमीरा है ना, वो भी इसी पैटर्न का ही है. ये ऐसा स्टिकर टाइप का रहता है, पीछे इसका पेपर है. इसको आप खोलोगे लगाओगे, मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसे लगाएंगे. और ये वाला गोदरेज यहाँ पे इसको लगाने के बाद क्या चेंजेस आता है, कैसे दिखता है रूम के साथ, कैसे मैच होता है, उसको भी हम देखेंगे. एक मिनट मैं आपको दिखाऊं. देखिए ये पीछे हमारा बेड है, आप तो बेड देखे हो, बेड भी इसी कलर का ही है, पर ये वाला दूसरा कलर हो जा रहा है ना. और भी है, मैं दिखाती हूँ आपको. ये वाला हमारा अलमीरा है, देखिए ये दोटो है ना. ये वाला देखिए ब्राउन कलर का है, और ऐसे वुडन पैटर्न में है. मैं आपको दिखाती हूँ वो खोल. हाँ, और देखिए ये वाला, देखिए थोड़ा बहुत मैच आएगा, सेम कलर तो नहीं आया. और देखिए बेड का भी कलर वुडन है, और इसका भी वही वुडन हम कर देंगे. तो ठीक है ना, ये बेड के साथ ये मैच आएगा. अभी हमारा छोटू और ये दोनों मिस्टर पुरोहित दोनों मिलके अभी इसका करेंगे, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी रूम का कैसे चेंजेस आता है, ठीक है. चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए फ्रेंड्स, पहले रोल को ऐसे खोल दिए, और यहाँ से मेजरमेंट पकड़िए. कैसे मेजर कैसे किए बताइए. हाँ देखिए, इसको यहाँ से ऐसे करके फर्स्ट मेजर लेंगे, इसका मतलब मेजरमेंट कर लेंगे कितना लेंथ चाहिए, ठीक है ना, ऊपर से नीचे तक, हाँ बॉर्डर तक. उसके बाद क्या करेंगे, उसको हम कट कर लेंगे. अब ये कट करके दिखा दीजिए, बस सेम करके करिएगा. ये जैसे कर रहे हैं वैसे ही, ये जो दिख रहा है ना ऐसे गैप, ये सब गैप कुछ नहीं रहेगा. ये एक्चुअली ऐसे ही रह गया, इसमें है बोल के इसमें गैप नहीं रहेगा. Thank you.
फ्रेंड्स, ये वाला अभी लग गया है एक हिस्सा में और ये नहीं लगा, आपको मैं नजदीक से दिखाती हूँ, देखिए ठीक है, पता चल गया ना कितना अच्छा लग रहा है ये वाला। उसके बाद इधर फिर लगाएंगे, वो भी दिखाएंगे। अभी इसको थोड़ा सा पॉलिश कर रहे हैं ऐसे, ताकि इसके अंदर जो गैस गैस रह जाता है, छोटे छोटे बबल्स हो जाते हैं, वो बबल्स ना रहे। देखिए ये वाला कंप्लीट हो चुका है और मैं आपको दिखा रही हूँ कैसा लगा, बोलिएगा। देखिए कैसे पर्पल कलर से पूरा वुडन कलर में चेंज हो गया और अभी अच्छा लग रहा है देखने के लिए भी और उनके साथ मैच भी कर रहा है। आइए अभी ये वाले हिस्से को हम चेंज करेंगे थोड़ा। देखिए वो दीवार में ना, टेबल जहाँ पे रखते हैं वहाँ पे दीवार लग लग के वाला हिस्सा ना ऐसे कलर छूट गया है, तो हमने सोचा यहाँ पे भी स्टिकर लगाएंगे। कहाँ पे? वॉल पे, है ना, वुडन वाला नहीं पर दूसरा वाला। तो यहाँ पे जितना भी सामान है पहले ये निकाल दे रहे हैं छोटू के साथ, और मैं शूटिंग कर रही थी, और जितने भी प्लांट्स हैं वो नीचे रख देंगे। और देखिए सब नीचे रख दे रहे हैं और ये वाले हिस्से को पहले साफ़ करेंगे। साफ़ करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जितना भी डस्ट है वो सब अगर रह जाएगा ना तो स्टिकर नहीं चिपकेगा। स्टिकर के पीछे तो गम रहता है, तो गम में वो डस्ट लग के ना वो स्टिकर बाद में खुल जाएगा, जल्दी से उसका गम छूट जाता है। तो ये वाला देखिए खिड़की का जो हिस्सा है वो वाइट दिख रहा है ना, वो वाले को हमें छिपाना है और डिज़ाइन भी थोड़ा करना है। तो छोटू इसको अच्छे से थोड़ा डस्टिंग करा, हम तो उस दिन डस्टिंग किए थे, ज़्यादा डस्टिंग करना नहीं पड़ेगा, लेकिन करने से चिपकाने से पहले और एक बार थोड़ा डस्टिंग कर दे रहा है। साफ करेंगे उसके बाद स्टिकर लगाएंगे। तो कौन सा स्टिकर लगाएंगे आप इसको देख लीजिए। अभी इसके बाद ये लगाएंगे, वही कट कर करके उसका लगाएंगे। ये वाला देखिए नीचे तक ऐसे लगा दिए, उसको अच्छे से प्रेस कर रहे हैं ताकि वहाँ पे कुछ बबल्स गैस बबल्स ना रहे और अच्छे से चिपक जाएगा। और ये वाला देखिए बैम्बू वाला स्टिकर लगाए हैं क्योंकि हम यहाँ पे प्लांट्स रखते हैं और ये वाला हिस्सा आपका ग्रीन कलर भी है, तो ये मुझे अच्छा लगा ये स्टिकर। आपको कैसा लगा बोलिएगा बैम्बू वाला। तो इसका लुक ना बहुत ही अच्छा लग रहा है वहाँ पे कंप्लीट होने के बाद, आप ज़रूर देखिए। पहले भी देख चुके हैं, स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा दिख रहा था, तो आगे देखते हैं ये एक एक करके ये वाले हिस्से को ये पूरा कंप्लीट करेंगे। इनको बहुत ही अच्छा लगा ये वाला स्टिकर, एक्चुअली देखिएगा कैसे सेल्फी लिए हैं इसके साथ। ये वाला पूरा ही कंप्लीट हो गया ना, पूरा खुश हो गए, ये देखिए सेल्फी ले रहे थे। Thank you.
ये वाला देखिए कंप्लीट हो चुका है और ऊपर थोड़ा सा बाकी है, वहाँ पे भी ये लगा देंगे। और लास्ट लुक देखिएगा कितना ही अच्छा लग रहा है, और मुझे लग रहा है आप लोगों को भी बहुत ही पसंद आएगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ये वाला देखिए वो बैम्बू का थोड़ा सा जैसे बच गया था स्टिकर्स, तो हमने सोचा कि यहाँ पे थोड़ा नीचे लगा दें। ऊपर तो स्टिकर लगा हुआ है टीवी के साइड में, तो ये नीचे मैं उसको डिज़ाइन करके कट कर दी और लगा दी। ये भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये लुक्स कैसा लगा बोलिएगा। आज का ब्लॉग यहीं पर रखते हैं। आप लोग अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिए। जो लोग सब्सक्राइब किए हैं उनको थैंक यू, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके बाय।